वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अलग अलग तरह से प्लान भी तैयार कर रही है ताकि अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे डाला जा सके और अपराध के बढ़ते ग्राफ पर लगाम कसी जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। गाजियाबाद से सामने आई इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए कि ऐसे पुलिस खूंखार अपराधी के घर के बाहर ना सिर्फ मुनादी कर रही है बल्कि उसके करीबियों और रिश्तेदारों को चेतावनी भी दे रही है कि वो जो भी अपराध की मदद करेगा उसे पनाह देने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। माननीय न्यायालय द्वारा इसे 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अब्दुल रहमान को अपने घर पर संरक्षण देता है या उसे अपने घर पर रहने की परमिशन देता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल अब्दुल रहमान एक खूंखार अपराधी है और ये उन अपराधियों की लिस्ट में शामिल है जिन 28 अपराधियों को चिन्हित कर गाजियाबाद पुलिस ने जिला बदर कर दिया है। इसी के चलते गाजियाबाद पुलिस ने पहले अब्दुल रहमान के घर के बाहर पहुंची और फिर उसके घर के बाहर बकायदा मुनादी की और घोषणा भी कर डाली कि अब्दुल रहमान घर पर मिला तो उसे सलाखों के पीछे जरूर डाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद पुलिस ने उसे मोहल्ले में बकायदा माइक के जरिए उसके करीबियों को चेतावनी भी दी कि अब्दुल की मदद करने वालों पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यदि कोई व्यक्ति अब्दुल रहमान को अपने घर पर संरक्षण देता है या उसे अपने घर पर रहने की परमिशन देता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार कर रही है जो पुलिस की चेतावनी के बाद भी सरेंडर नहीं कर रहे और जो अपराध छोड़ने को राजी नहीं हो रहे। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।